मध्य प्रदेश की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में बारिश ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देश भर में मानसून करीब करीब विदा हो चुका है, लेकिन एमपी में छाए बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज भी करीब 3/4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। सागर, रतलाम, आगर मालवा, विदिशा जैसे तमाम इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। तो वहीं भोपाल, उज्जैन, सीहोर, सिवनी, छिंदवाड़ा के इलाके भी बाढ़ बारिश से प्रभावित हैं। नदियां उफान पर हैं, लोग परेशान हैं और 6 तस्वीरें बयां कर रही हैं किस कदर मध्य प्रदेश में इस वक्त हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। पुल पर कमर तक पानी है, लोग किस तरह से इस पुल को पार कर रहे हैं, कहां पुल है कहां सड़क है ये समझ पाना भी मुश्किल हो रहा है। सितंबर में मध्य प्रदेश डूबा हुआ है। ये वो वक्त होता है जब मानसून जा रहा होता है, लेकिन इस बार आलम कुछ और ही है। लगातार हो रही बारिश से पूरा का पूरा मध्य प्रदेश डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कुछ तस्वीरें आपके सामने, होशंगाबाद की तस्वीर है जहां पर ये पुल पार करते लोग दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको खरगोन की दिखा रहे हैं। खरगोन में इस वक्त जबरदस्त आवेग है इस लहर का। और ये देखिए इंदिरा सागर बांध में पानी इतना ज्यादा कि वहां पर गेट खोलने पड़े। ये तमाम तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश में इस वक्त सैलाब का कहर है। जगह जगह सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। उफनती नदियां, डूबते शहर और फंसते इसमें हजारों लोग। ये राजगढ़ की तस्वीर है जहां पर बाजार में तालाब जैसा नजारा दिखाई दे रहा है। गाड़ी निकालना तक मुश्किल हो रहा है, पैदल तो भूल ही जाइए क्योंकि सड़क कहाँ है, गड्ढे कहाँ है, ये सब कुछ मालूम ही नहीं चल रहा है। बाढ़ में एम्बुलेंस नहीं गुजर सकती थी, इसी वजह से इस खाद को एम्बुलेंस बनाना पड़ा और इस मरीज को ले जाते हुए लोग। और रस्सी जब जिंदगी का सहारा बन जाए वो आपने देखा, लेकिन एमपी में आपको दिखा देते हैं किस तरह से अलग अलग जगहों पर बाढ़ जैसा नजारा है। मध्य प्रदेश में ऐसी बारिश बहुत सालों बाद हुई है। पूरे राज्य में जिधर देखो पानी ही पानी है। होशंगाबाद में उफनती नदी पुल के ऊपर से बह रही है, फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर पुल से आवाजाही कर रहे हैं। खरगोन में भी नर्मदा पूरे उफान पर है। महेश्वर के मंदिर डूब गए हैं, प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर का केवल गुंबद नजर आ रहा है। खरगोन के इंदिरा सागर बांध से पानी निकासी के चलते नर्मदा और भी भयावह हो गई है। राजगढ़ में भी मोहनपुरा बांध के सभी 11 गेट खोल दिए गए हैं। बड़ी तादाद में पानी छूटने से आसपास की बस्तियों और गांवों में सैलाब आ गया है। सीहोर की सड़कें गायब हो चुकी हैं। मुख्य बाजार में तालाब का नजारा है और गाड़ियां डूब डूब कर भाग रही हैं। आसपास के इलाकों का संपर्क शहर से कट चुका है। ऐसे हालात में एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने का वक्त आया तो परिवार के लोगों ने छाती तक पानी में डूबकर उसे खाट समेत नदी पार करवाई। आगर मालवा में तो बारिश ने भगवान को ही कैद कर लिया है। बगलामुखी मंदिर तक जाने वाला रास्ता पानी में डूबा हुआ है। आज भी पूरे मध्य प्रदेश के 38 जिलों में भारी और बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। आज तक ब्यूरो। तो जब रस्सी जिंदगी का सहारा बन जाए तो आप मुश्किलात का पता लगा सकते हैं, अंदाजा भी लगा सकते हैं किस तरह से गुजरात और मध्य प्रदेश में पानी ने हमला बोला है। तो कैसे जिंदगी बची है, कैसे चला रेस्क्यू ऑपरेशन, ये आपको दिखा देते हैं रिपोर्ट के जरिए, ये आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं कौन कौन सी वो जगह है मध्य प्रदेश में जहां पर इस वक्त बाढ़ का कहर है। सबसे ज्यादा बाढ़ इस वक्त होशंगाबाद, महेश्वर, राजगढ़ और अलीराजपुर में देखी जा सकती है। ये पूरा का पूरा इलाका इस वक्त पानी के कहर से जूझ रहा है। सबसे ज्यादा अगर बात करें जहां पर पानी का कहर इस वक्त है वो है राजगढ़, महेश्वर, होशंगाबाद और अलीराजपुर
जहां पर ये तक पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि कहां पर सड़क है, कहां दरिया है, कहां गड्ढे हैं और कहां पर पुल बना हुआ है। तस्वीरों के जरिए हमने आपको बताया और दिखाया कि किस तरह से इस वक्त मध्य प्रदेश और दोनों राज्य गुजरात समेत पूरा का पूरा इलाका इस वक्त पानी में डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। भरूच में नर्मदा का पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि कई गांव देखते ही देखते जलमग्न हो गए। सैलाब की खबर मिलते ही कई लोग तो सुरक्षित निकल गए, लेकिन इस गांव के 30 लोग चारों तरफ से पानी में गिर गए। इसमें ज्यादातर बुजुर्ग थे, लिहाजा वो भाग नहीं पाए। पास के थाने को खबर मिली तो पुलिस खुद ही उन्हें बचाने पहुंची। रस्सियों के सहारे लोगों को धार पार करवाई गई। कुछ बुजुर्ग महिलाओं को पुलिस कर्मियों ने कंधे पे बिठाकर बाहर निकाला। यूपी के जालौन में भी पूजा पाठ के लिए नदी किनारे बने एक मंदिर में गए लोग अचानक उमड़े पानी में फंस गए। दरअसल ये मंदिर नदी से सटे एक टीले पर मौजूद है। जाते वक्त नदी में पानी कम था तो ये लोग आसानी से मंदिर तक पहुंच गए, लेकिन पूजा पाठ खत्म होने तक नदी उफान मारने लगी। करीब 20 लोग टीले पर मौजूद मंदिर में थे। धार को पार करने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। आसपास के गांव के लोगों को पता चला तो प्रशासन ने स्टीमर भेजकर इन लोगों को बाहर निकाला। भरूच से गोपी घांगर के साथ अलीम सिद्दीकी, जालौन आज तक। और गुजरात की अगर बात कर लें तो गुजरात में भी नर्मदा किनारे बसे इलाकों पर बाढ़ का खतरा सबसे ज्यादा मंडरा रहा है। भरूच ले लें, आणंद, नवसारी, खेड़ा जैसे इलाकों में पानी ने एंट्री की है और सरदार सरोवर बांध से पानी छोड़े जाने से करीब करीब वहां के जो तमाम इलाके हैं इस बांध के आसपास वो डूबते जा रहे हैं। भरूच में लोगों से कहा गया है कि वो निचले इलाके छोड़कर अब सुरक्षित इलाकों में चले जाएं। कुछ लोगों ने ये किया भी है और कुछ लोगों को रेस्क्यू के जरिए बचाया भी जा रहा है, क्योंकि कई ऐसे रिहायशी इलाके हैं इस बांध के आसपास जहां पर अब भी लोग सुरक्षित जगहों पर नहीं गए हैं। उनसे हिदायत उन्हें दी गई है कि वो सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि कभी भी इस बांध का पानी छोड़े जाने के बाद जो आसपास के इलाके हैं वहां पर पानी का स्तर बढ़ सकता है, पूरे के पूरे गांव इस पानी में समा सकते हैं, और इसी के मद्देनजर इस तरह की हिदायतें अब दी जा रही हैं। सरदार सरोवर बांध की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर कई गेट सब खोल दिए गए हैं क्योंकि पानी छोड़ा जा रहा है धीरे धीरे, और ये पानी जब आसपास के गांव और इलाकों में पहुंचता है तो कई बार पूरे के पूरे गांव इस पानी में समा जाते हैं। ये गुजरात की तस्वीर है और गुजरात में भी हालात कुछ कुछ मध्य प्रदेश जैसे ही है। वहां पर भी इस वक्त पानी का कहर हर जगह, लगभग हर जगह देखने को मिल रहा है। सरदार सरोवर बांध का पानी अब धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है और लाखों क्यूसेक पानी होता है ये। ऐसे में अगर गेट ना खोला जाए तो कई बार ज्यादा मुसीबत खड़ी हो सकती है। एहतियातन इसीलिए सरोवर के गेट खोल दिए जाते हैं, लेकिन उसके साथ ही जो आसपास के इलाके हैं उन्हें भी अलर्ट पर रखा जाता है। और बात अब मध्यप्रदेश की करेंगे। मध्यप्रदेश के सागर में दौड़ती ट्रेन अचानक थम गई, ये हम बात आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सीधे रुक करेंगे। हमारी संवाददाता गोपी घांगर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। गोपी, ये बताइए कि जिस तरह से तमाम तस्वीरें हमें दिखाई दे रही हैं इस वक्त गुजरात की, काफी ज्यादा असर इस वक्त गुजरात में है पूरे के पूरे बारिश का। गोपी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल नेहा, मैं आपको सुन पा रही हूँ। किस तरह से कौन कौन से इलाके इस वक्त गोपी गुजरात में प्रभावित हैं बाढ़ से? जी बिल्कुल नेहा, मैं सबसे पहले तो आपको ये गरुडेश्वर वियर डैम का ये नजारा है, देखिए काफी डरावना लगता है। नर्मदा का ये रौद्र रूप हम कह सकते हैं, क्योंकि ये वियर डैम है, इसकी जो ऊंचाई है वही करीब 34 फीट है और उसके बाद ऊपर से पानी बह रहा है। काफी नर्मदा नदी जो है वो उफान पर है। सरदार सरोवर बांध से करीब 8,36,000 क्यूसेक पानी यहाँ पे छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते जो नर्मदा जिला है, साथ ही वडोदरा जिला है और भरूच
भरूच जिला, इन सबको अलर्ट पर रखा गया है। भरूच जिले से कल कई सारे लोगों को इवैक्यूएट किया गया सरकार के जरिए, साथ ही प्रशासन के जरिए ये कहा गया है कि लोग जो निचले इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाए। आप देख सकते हैं कि काफ़ी रुद्र रूप है ये नर्मदा नदी का, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है, लगातार ये बारिश जारी है और वहाँ के ओमकारेश्वर और इंदिरा सागर सरोवर से जिस तरीके से पानी छोड़ा जा रहा है, वही पानी आता है सरदार सरोवर बांध में और सरदार सरोवर बांध के करीब 23 दरवाजे जो है उसे खोल दिए गए हैं, जिसके चलते नर्मदा नदी उफान पर है। और ठीक है गोपी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। गोपी घांगर हमारी संवाददाता बता रही थी कि किस तरह से इस वक्त गुजरात के कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं, स्थिति बेहद भयावह है। लेकिन रुक करना होगा मध्यप्रदेश का, क्योंकि मध्यप्रदेश के सागर में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर है। वहां पर दौड़ती ट्रेन अचानक थम गई। वजह इसकी जो बताई जा रही है वो है चंद्रयान, क्योंकि चंद्रयान को लेकर एक शख्स ने ऐसा बवाल किया कि आधे घंटे तक ट्रेन जहां की तहां खड़ी रही। आसन तो ऐसा जमा है जैसे कोई आरामदायक सोफा हो, और बेतकल्लुफी ऐसी जैसे ट्रेन की इंजन की छत नहीं घर का ड्राइंग रूम हो। मध्य प्रदेश के सागर के नजदीक रेलवे ट्रैक पर एक सिरफिरे की हरकतों से हड़कंप मच गया। एक छोटे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन जैसे ही रुकी, ये शख्स इंजन की छत पर जा चढ़ा और आसन जमा कर वहीं बैठ गया। ना उसे इस बात का कोई डर था कि उसके सिर के ऊपर से बिजली के हाई टेंशन तार गुजर रहे हैं, ना इससे कोई मतलब कि अगर ट्रेन चल पड़ी तो उसका क्या हाल होगा। ये शख्स तारों की चपेट में ना आ जाए इसलिए बिजली बंद कर दी गई। रेलवे कर्मचारी और पुलिस वाले हैरान थे कि आखिर ये सरफिरा चाहता क्या है, लेकिन बार बार पूछने पर भी सिरफिरे से जवाब के बदले सिर्फ एक सवाल मिल रहा था, वो ये कि आखिर चंद्रयान 2 फेल क्यों हुआ। क्या फेल हुआ? अरे नीचे आ जा। इस पैसेंजर ट्रेन से हजारों लोग सुबह के वक्त आसपास की जगहों तक अपने काम पर जाते हैं, लेकिन सिरफिरे की वजह से ट्रेन रुक गई। चारों तरफ लोगों की भीड़ लग गई, समझाने बुझाने से लेकर धमकाने तक की कोशिश हुई, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। आधे घंटे तक चले इस तमाशे के बाद आखिरकार मौका देखकर रेलवे का एक कर्मचारी चुपचाप इंजन पर चढ़ गया और सिरफिरे को पकड़ लिया। इसी दौरान दो लोग दूसरी तरफ से ऊपर चढ़े और थोड़ी धक्का मुक्की के बाद इसे नीचे खींच लिया गया। तो एक व्यक्ति नशे की हालत में शराब पिए हुए था, इंजन पर चढ़ गया तो कम से कम 20-25 मिनट तक चढ़ा रहा। पुलिस आई थी तो जीआरपी आरपीएफ वाले ले गए थे उसको। आरपीएफ ने युवक का मेडिकल करवा कर उसके परिजनों को उसे सौंप दिया। परिवार के मुताबिक इस शख्स का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। हाल ही में आई चंद्रयान 2 की नाकामी की खबर इसके जहन में इस कदर सवार हो गई और उसका नतीजा ये हुआ। हिमांशु पुरोहित, सागर, आज तक। और अब आप मेडल पर अचूक निशाने करेंगे। दिल्ली पुलिस के डीसीपी संजीव यादव ने निशानेबाजी पर सॉलिड टारगेट किया है। वर्ल्ड मास्टर शूटिंग स्पोर्ट्स में संजीव यादव के खाते में कांस्य पदक आया है। जर्मनी के सूल शहर में दुनिया भर से 45 साल के ज्यादा उम्र के निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं और संजीव कुमार यादव पर हाल ही में फिल्म बाटला हाउस आधारित थी, जिसमें जॉन अब्राहम ने संजीव यादव का रोल निभाया था। लेकिन अब असल जिंदगी में शूटिंग में संजीव यादव ने ये पदक हासिल किया। और अब बात करेंगे आपके फेवरेट आईफोन की, क्योंकि आईफोन का नया वर्जन आ चुका है। जी हाँ, आईफोन 11 बाजार में लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन 20 सितंबर से ही ये एप्पल के स्टोर्स में आपके लिए मौजूद रहेगा। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाएंगे कि कौन कौन से वो मॉडल्स हैं आईफोन 11 के जो लॉन्च किए गए हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि इस बार आईफोन की कीमत पहले के मुकाबले काफी कम रखी गई है। आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो, आईफोन 11 मैक्स, ये वो तीन फोन हैं जो कल लॉन्च किए गए हैं। बेहद शानदार सेरेमनी के जरिए इन तीनों आईफोन को लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि आईफोन 11 की कीमत है $699, यानी कि
भारतीय रुपए में करीब 50,228 रुपए। आईफोन 11 प्रो की कीमत है $999 यानी कि करीब 71,786 रुपए। वहीं आईफोन 11 मैक्स की कीमत है $1,099 यानी कि करीब 78,971 रुपए। एक ऐसी खबर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जी हां, हम बात करेंगे दमोह की, जहां पर एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में जब घुस गया, किस तरह से वहां भगदड़ मच गई, हड़कंप मच गया और ये पूरा का पूरा ड्रामा काफी देर तक चलता रहा। पुलिस वालों का भारी भरकम लौ लश्कर, सड़कों पर लोगों का हुजूम, मकानों की छतों पर हुजूम और पूरे इलाके में सनसनी। मध्य प्रदेश के दमोह में माहौल कुछ ऐसा है मानो बस्ती में कोई आतंकी घुसाया हो। बात दरअसल आतंकी ही है, लेकिन आतंक फैलाने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक तेंदुआ है जो दो दिन पहले बस्ती में घुसाया था। दोपहर के वक्त तेंदुआ एक घर में घुसा तो घर के मालिक ने दरवाजे बंद कर दिए और बाहर भाग गया। चारों तरफ हल्ला मच गया और पुलिस वालों के साथ वन विभाग की टीम पहुंच गई तेंदुए को दबोचने के लिए। मकान के कमरे बंद हुए, तेंदुए को दबोचने के लिए बाहर से सीढ़ी लगाई गई और खिड़की के रास्ते वन विभाग की टीम इसके नजदीक पहुंची। खुद को घिरा देखकर तेंदुआ आक्रामक हो गया, उसकी गुर्राहट बाहर दूर से भी सुनाई दे रही थी। लंबी कवायद के बाद आखिरकार वन विभाग की टीम ने तेंदुए को बेहोश कर दिया, उसके बाद उसे जाल में लपेट कर घर से निकाला। शांतनु भारत, दमोह, आज तक। अब आपको लिए चलते हैं अमेरिका, जहां पर इलिनॉय में एक ट्रेन हादसा हुआ, लेकिन गनीमत ये रही कि इस हादसे में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इलिनॉय में एक ट्रेन पटरी से जा उतरी तो इसमें शोले भड़क गए। मिसिसिपी नदी के किनारे हादसे में बड़ा नुकसान हुआ, ट्रेन पर कई तरह के केमिकल ले जाए जा रहे थे और आग के बाद धुआं कई किलोमीटर तक देखा गया। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।